नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर और मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो क्या क्या समस्याएं लेके आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं पढ़ के बताता हूँ उनके भाषा में, उनके खुद के इसमें कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम है। तो अभी ये 52 साल के व्यक्ति है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से उनको तकलीफ हो रही है। सेक्स करने के समय लिंग में टाइटनेस नहीं आता, सर दर्द कर रहा है, सिर बहुत भारी भारी सा लगता है। उन्होंने ब्रेन का MRI किया, ब्लड की जांच की, खून की जांच की, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। 1999 में क्रिकेट खेलते समय गिर गए थे और राइट मतलब दयना अंडाशय जो है, राइट टेस्टिस, उसको मार लगी थी। मगर अभी 24 साल में कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर अभी कभी कभी राइट साइड की टेस्टिस दर्द करती है। और ये जो प्रॉब्लम है इसके वजह से उनको सेक्स नहीं होता है क्योंकि टाइटनेस नहीं आता है और राइट साइड की जो टेस्टिस है वो दर्द करती है। BP की तकलीफ है उनको पिछले 25 साल से, मगर BP कंट्रोल में है और पत्नी के साथ में सेक्स नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से फिर उनको मतलब उनकी झंझट होती है पत्नी के साथ में। उनकी पत्नी की उम्र जो है वो 44 साल की है, उसकी अभी MC चालू है और उसकी इच्छा होती है, इनकी इच्छा होती है, मगर ये कर नहीं पाते क्योंकि टाइटनेस उतना नहीं है जितना अंदर जाने के लिए लगता है। तो उनको मैंने बताया कि भाई डायबिटीज़ है क्या? बोले नहीं, डायबिटीज़ नहीं है। मैंने तभी भी टेस्ट कर लो, तो हमने डायबिटीज़ की टेस्ट कर लिया, थायराइड हार्मोन की टेस्ट किया, फिर टेस्टोस्टेरोन जो है सीरम टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन उसकी टेस्ट किया, सब रिपोर्ट नॉर्मल थे। तो उनको मैंने बताया कि ठीक है हम क्या करेंगे कि सेक्स काउंसलिंग का एक हमारा सेमिनार है वो आप ज्वाइन कर लो। हम क्या करते हैं उसमें लोगों को एक दिन बुलाते हैं, उसमें चर्चा करते हैं, उनको बताते हैं, गाइड करते हैं, गाइडेड सेक्स कि भाई क्या करना है, आज क्या करना, फिर करो फिर हमारे पास में आओ, फिर करो फिर हमारे पास में आओ, मतलब ऐसा गाइडेड सेक्स 12 दिन चलता है वो, तो वो करो और मैं आपको दवाई देता हूँ। तो उनको मैंने दवाई दिया, यूजली PDE5 इनहिबिटर जो है वो अच्छे काम में आते हैं। उनको पहले सरदर्द था, सरदर्द हो रहा है, BP भी है, इसलिए मैंने सिल्डेनाफिल पसंद नहीं किया, मैंने बोला कि मैं आपको टाडालाफिल देता हूँ। फिर मैंने उनको टाडालाफिल दिया, टाडालाफिल की गोली 20 मिलीग्राम की और उसके साथ साथ मैंने ओमेप्राजॉल, पैरासीटामॉल, फिर बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, और बी कॉम्प्लेक्स में हम स्पेशली क्या करते हैं कि जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, मिथाइल कोबालामिन है, फोलिक एसिड है, ऐसा कॉम्बिनेशन देते हैं। उसके साथ साथ मैंने उनको एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन दी जिसमें अश्वगंधा है और जिंसिंग भी है उसमें, तो ऐसी एक टेबलेट वो भी उनको दिया। और मैंने बताया कि ये आयुर्वेदिक तेल है कि जो बहुत बड़े अलग अलग द्रव्य जो उसका कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है, तो वो भी मैंने उनको दिया। मैंने बोला ये तेल जो है उससे मालिश करो, ये गोली खाओ और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनको ये भी बताया कि जो राइट टेस्टिस जो दर्द कर रही है, जो आप 24 साल पहले गिर गए थे उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, वो दर्द कर रही है। तो ये मैंने जब देखा इंस्पेक्शन में, उसको हाथ लगाया तो हाथ लगाते ही उसको दर्द हो रहा, मैंने बोला इसमें इन्फ्लेमेशन है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई लेनी पड़ेगी। और ये जो राइट टेस्टिस दर्द कर रही है उसका और इरेक्शन का मतलब टाइटनेस का वैसा कोई संबंध नहीं है। हाँ, उसके वजह से टाइटनेस नहीं आ रहा पता लगे, मगर ये तो अभी हुआ, दर्द तो अभी हुआ, मगर ये जो है इरेक्शन का प्रॉब्लम ही 1 महीने से, दर्द अभी 4-8 दिन से हो रहा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला ये सब देने के बाद में और काउंसिलिंग को उनको बुलाया, काउंसिलिंग को आए और धीरे 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 उनको अच्छा लगने लगा। उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स बाकी के मतलब BP तो कंट्रोल में था ही, बाकी सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल थे, मगर बाकी टेंशन था उनको, बहुत सारा बिजनेस का टेंशन था, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे उसमें टेंशन है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है और उसके वजह से उनको दिमाग में तकलीफ हो रही थी और उसके वजह से फिर टाइटनेस नहीं आ रहा था। तो ये सब करने के बाद में काउंसिलिंग, देखिए काउंसिलिंग में बहुत महत्व का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गोली ले लिया ना भी काउंसिलिंग छोड़ दो, उनको दवाई दे दो बोलते, दवाई काउंसिलिंग नहीं होना है, काउंसिलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसिलिंग से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं और जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो ठीक होते हैं, और हो सकता है कि फिर दवाई लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इनको बहुत अच्छा लगने लगा। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि 50 के बाद में वैसा भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है, टेंशन बढ़ते जाता है,
बच्चे बेटे बेटी बड़े होते हैं 18-20 साल के हैं, लड़की है तो शादी की चिंता है, लड़का है तो एजुकेशन की चिंता, शादी की चिंता है, तो उसमें बहुत दिमाग के ऊपर स्ट्रेस आने के बाद में फिर उसका असर डायरेक्टली पेट के ऊपर होता है, पचन नहीं होता, अन्नपचन का प्रॉब्लम, सेक्स का प्रॉब्लम, फिर बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होता है, सब बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो यह सब है संभव। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करीब करीब 50 साल के ऊपर के लोग ऐसे हैं कि जो मेल है मतलब पुरुष है 50 साल के ऊपर के है, 50% लोगों को, 50% लोगों को सम टाइम और अदर कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आता ही है, भले कंटिन्यूस नहीं रहेगा। सब लोगों को ये वीडियो शेयर करो, उनको बहुत फ़ायदा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।